brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. तो फर्स्ट थिंग आप लोग रिस्पॉन्ड करना है. सो कैसे हो आप लोग? सो माय नेम इज रमेश माझी और मैं कुछ अपने बारे में बोलूंगा क्योंकि माइक मेरे पास है. और माय नेम इज रमेश माझी, राइट? माझी से कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे? या मेरे ऊपर मूवी बनी है मगर मैं खुश नहीं हूँ. पहले मैं खुश था, 2015 के बाद खुश नहीं हूँ. आदमी मूवी देखने के बाद जज करने लगते कि पहला कैरेक्टर दर्शक माझी था ना, उसने पहाड़ काटा था. सब आदमी देख सोचते हैं कि दूसरा पहाड़ मैं काटूंगा. क्यों भाई? तो मतलब जैसे जानते हैं कि पता चलता है नया टाइटल माझी है, आदमी लोग हंस के बात करने लगते हैं. न जाने कौन सा भूत चढ़ जाता है वो, और वो लोग हंस के बात करेंगे और वर्ड्स में बात करेंगे, फुल सेंटेंस कभी बात नहीं करते. बोलो बात और पॉइंट करके बात करेंगे. बोलेंगे यू, तो यस माझी, यस द माउंटेन मैन. बोला दशरथ माझी, मैंने बोला तेरा बाप. भाई मेरे बाप का नाम दशरथ माझी नहीं है, मेरी माँ बुरा मान गई. तो और इस हादसे से मैं निकल ही रहा था कि दूसरा हादसा हो गया मेरे साथ. पबजी खेलते हो? कोई पबजी खेलता है क्या? सब सस्ता नशा करके आया है क्या? हाँ, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, खेलते हो कि नहीं? पर तो मैं भी पबजी खेलता हूँ, मुझे लगा मैं ही नाला पा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी हो. तो मैं पबजी खेल रहा था रिसेंटली, तो मुझे ऐसा अनोइंग टीममेट मिला. उसने मुझे ऐसे बुलाया, आज तक किसी ने नहीं बुलाया था. नौकर पता है ना सबको, तो वो नौकर हो गया. उसके बाद मुझे बुलाता है, बोलता रे मजिया कहा हो रे, इधर आओ, पहाड़ तुमने काटा था ना. मुझे गुस्सा आ गया, बोला हाँ काटा था. तो वो साला खुश हो गया, वो नहीं सच रहा कि मैं मर रहा है, सर्वाइव करना चाहिए. वो खुश हो गया, बोलता अब वो डायलॉग सुना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद. बोला मर क्यों नहीं जाता? बोलते नहीं, डायलॉग सुन गया तभी मानूंगा. मैंने पबजी अनइंस्टॉल कर दिया. या तो लाइफ में आपको दो चीज होता है, या तो रिलेशनशिप या तो पबजी. और मैं रिलेशनशिप में हूं, जिसका मतलब कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है. कोई कौन कौन सिंगर है यहाँ पे? नहीं, इस पूछ रहा था कि हाथों में लकीर है कि नहीं, उसी में पूछ रहा था. तो मैं जब से रिलेशनशिप में आया हूं ना, मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि लड़कियों की बातों में लॉजिक नहीं होती. तो मैं अगेंस्ट फेमिनिज्म नहीं हूं, तो फेमिनिज्म बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे. नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा और इंग्लिश का बहुत ही कम इंटरेक्शन है. क्योंकि मुझे जेन्युइन लगने लगा था कि विश खलीफा मियां खलीफा दोनों भाई बहन है. क्योंकि एक सूट देती है और एक मियां खलीफा कौन कौन जानता है? हाँ ठीक है, बात नहीं करनी. तो मतलब मैं बोल रहा था कि लड़कियों की बातों में लॉजिक नहीं होती. क्योंकि मैं रिसेंटली एक लड़की से बात कर रहा था और वो मेरी ट्यूशन में थी ना, तो मैंने उसे जाके पूछा. और मैं उस समय सिंगल था, तो हम सब लड़की पर ट्राई करते हैं. तो मैं पूछा है डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? वो बोलते हैं शायद से. मैंने पूछा मैं बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूँ, कोई भूत के बारे में नहीं. वो बोलते हैं भूत तो होते हैं. मैं बोला फिर बॉयफ्रेंड? बोलता नहीं पता, मुझे वो नहीं पता. तो मैं बोला रहने तो इससे बात ही नहीं कर रहे. तो मैंने गर्लफ्रेंड को कॉल किया, तो उसने मुझे फोन उठाया और वीडियो कॉल में बात कर रहे थे. वो बोलते हाय मेरा बाबू, क्या कर रहे? मैं बोला कुछ नहीं, थोड़ा घूमा, पाँव दर्द कर रहा है इसलिए लेटा हूँ. तो बोलता है यहाँ का लॉजिक देखना. वो बोलता है पाँव दबा दो. मेरे भी मजे लेने के लिए बोला हाँ दबा दो. बोलते अच्छा ठीक है, पाँव पसंद करो. मैंने बोला इंडियन पोस्ट से पोस्ट करो या स्पीड पोस्ट से? वो बोलते स्पीड पोस्ट से करो, जल्दी आएगा. फिर उसको पता चला कि वो कुछ गलती की है, तो क्यों क्यों मैं बात करने लगी. बोले और मेरा बाबा बताओ क्या कर रहे हो.
मैं थोड़ा अपसेट था, मैं बोला कुछ नहीं, शायद उसको सुना ही नहीं दिया। उसने बोला सर जोर से बोलो, मेरे पास जोर से बोलो जय माता दी। भाई वो भूल गई कि वो मोबाइल में हम वीडियो में बात कर रहे, उसने मोबाइल ऐसे रखा और नाचने लगे, बोला जय माता दी जय माता दी। ऊपर से डिमांड कर रही कि तुम भी नाचो तुम भी नाचो। मैं बोला क्या ठुमका लगा तू ठुमका, बोलती सारी पहन के नाचता तो अच्छा लगूंगे। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय टाइम।